रायबरेली में 11 फरवरी को वादी सुनील कुमार उर्फ बच्चा सिंह पुत्र राम सिंह निवासी कोरिहर थाना गुरुबख्शगंज रायबरेली द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई थी कि दिनांक 6 फरवरी 2023 को समय लगभग 4 बजे अपराह्न जब वह सताव में मौजूद था उसी समय दो स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि बिना नंबर प्लेट से आई और उसकी कनपट्टी पर रिपीटर बंदूक रखकर जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी के नाम पर 1,28,000 रुपए ले लिए गए और उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर कहीं ले जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग गए। उन व्यक्तियों में से उसने एक व्यक्ति को पहचान लिया जिसका नाम धनंजय उर्फ धुनाड़ी पुत्र राम बाबू निवासी इंदिरा थाना नगर कोतवाली नगर रायबरेली था। इस सूचना पर तत्काल थाना गुरुबख्शगंज में मुकदमा अपराध संख्या 75/2023 धारा 386 364 506 भादवी बनाम धनंजय उर्फ धुनाड़ी पुत्र राम बाबू निवासी इंदिरा नगर थाना कोतवाली नगर रायबरेली अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर जांच एवं विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अंतर्गत आज थाना गुरुबख्शगंज व सर्विलांस एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गुरुबख्शगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 75/2023 धारा 386 364 506 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। देखिए थाना गुरुबख्शगंज पे अभी एक एक्स प्रधान है सुनील, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उन्हें धमकी दे करके उनसे रंगदारी वसूल करने के लिए दो स्कॉर्पियो पे जो अननंबर्ड थी उन पे कुछ लोग आए, उनको गाड़ी में बिठाया, उनको गाड़ी में बिठा करके उस जान से मारने की धमकी दी और उनसे पैसे वसूल लिए धमकी दे करके। किसी तरीके से वो निकल के वहाँ से भागे और जा करके उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना पर अपनी तहकीकात प्रारंभ की और घटना का खुलासा करते हुए इसमें अभी तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें दो जो प्रमुख इसके गैंग लीडर हैं, एक है सौरभ और दूसरा धनंजय उर्फ धुनाड़ी, दोनों के ऊपर विगत में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। 23-24 मुकदमे अभी तक पता चले हैं अलग अलग दोनों के ऊपर, अन्य मुकदमों का पता लगाया जा रहा है। बाकी के जो उनके साथी पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। धनंजय धुनाड़ी इस जिले का एक बहुत ही कुख्यात अपराधी है जिसके ऊपर लूट, किडनैपिंग विथ इंटेंट टू मर्डर 307 और हत्या और भी कई बड़ी घटनाओं का आपराधिक इतिहास है। सौरभ का भी करीब 23-24 घटनाओं का आपराधिक इतिहास अभी तक पता चला है जिसके बारे में और पता किया जा रहा है। इनके अभियुक्तगणों के कब्जे से दोनों स्कॉर्पियो जिससे वो आए थे वो बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा एक लाइसेंसी रिपीटर जो एक अन्य अभियुक्त योगेंद्र के पास से बरामद हुई हैं वो बरामद हुई है। 7 मोबाइल फ़ोन इनके कब्जे से जो पैसा उन्होंने वसूली किया था उसके करीब 33,500 रुपये वो वसूले गए बरामद किए गए हैं और एक अवैध असलाहा 315 बोर का और कुछ जिंदा कारतूस ये बरामदगी की गई है। इनका एक साथी अभी फरार है जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और पकड़े गए अभियुक्तगणों से सघन पूछताछ की जा रही है।